हेलो फ्रेंड्स, क्या होगा यदि इस सैमसंग J26 मोबाइल को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया जाए। इस एक्सपेरिमेंट को चलिए दोस्तों हम करते हैं। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। फ्रेंड्स, हम इस मोबाइल को सिर्फ 24 घंटे के लिए इस रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे। तो देखिए गाइस, ये मोबाइल हमारा पूरी तरह से चालू है, काम भी कर रहा है अच्छी तरह से। देखिए गाइस, अच्छी तरह से काम भी कर रहा है ये मोबाइल हमारा। चलिए दोस्तों, तो हम इस मोबाइल को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। चलिए, ये है हमारा मोबाइल और ये है हमारा रेफ्रिजरेटर। तो हम चलिए दोस्तों रेफ्रिजरेटर को रखते हैं मोबाइल के अंदर, सॉरी मोबाइल को रखते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर। चलिए गाइस, आइए हम रखते हैं। देखिए गाइस, हमने अपने मोबाइल को रख दिया है रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो चलिए इसको करते हैं अब बंद और देखते हैं इसे अब 24 घंटों के बाद। गाइस, अब हम इसे देखेंगे 24 घंटे के बाद। ओके फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। हाय गाइस, तो अभी हो चुके हैं पूरे 24 घंटे। अब हम देखते हैं उस मोबाइल में क्या हुआ है। आइए हम देख रहे हैं उस मोबाइल को हुआ क्या। दिखाइए इस मोबाइल को क्या हुआ है। सेट है हमारा मोबाइल। तो देखिए गाइस, अब हम इसको चालू करते हैं। अभी हम फ्रिज को बंद कर दे पहले। तो देखिए गाइस, हमारे मोबाइल को हुआ क्या। इसको तो बर्फ जम गई गाइस। गाइस देखिए, हमारा मोबाइल चालू हो गया। ओ सेट, बटन बंद हो गया। गाइस अभी आप इसे देख सकते हैं कैसा हो गया है। देखिए गाइस, हमारा मोबाइल कितना ठंडा हो गया है। मैं आप इसे छू कर तो नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये मोबाइल कितना ठंडा हो गया है और बंद चालू हो रहा है। इसको हमें लगता है शायद अब इसको हमें चार्ज पर लगाना होगा। तो चलिए गाइस, हम इसको अब चार्ज पर लगा के दिखाएंगे आपको थोड़ी देर बाद मोबाइल चालू करके। तो गाइस देखिए, हमारा मोबाइल चालू भी हो गया है। अभी हो रहा है धीरे धीरे चालू। तो गाइस अभी हम इसको चालू होने देते हैं। ओ गाइस देखिए, हमारा मोबाइल पूरी तरह से चालू हो गया। बैटरी है इसकी जीरो, बंद हो गया। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने इस मोबाइल को 24 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में भी रख दिया था और ये मेरा मोबाइल पूरा सही निकला। अगर आपको एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।